पीटीआई का लॉन्ग मार्च। सहाफी ने सवाल किया कि कारकुनों की तादाद कम क्यों है, तो पीटीआई रहनुमा आपे से बाहर हो गया। सहाफी को तशद्दुद का निशाना बना डाला, जबकि कैमरामैन को गालियां दी और कैमरा भी तोड़ दिया। इसी बारे में बात करेंगे। गोहर महसूद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। गोहर, बताएगा इस मामले के हवाले से। जी बिल्कुल, ये जिला हंगू खैबर पख्तूनख्वा के मकामी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। ये जब इस हवाले से सुबह सवेरे से लोग लगे हुए थे, ये लोग तैयारियां कर रहे थे, इसी दौरान जब इनके पास कारकुनान की तादाद बहुत कम रही तो उस वक्त मौके पर एक सहाफी ने सवाल पूछा कि क्या वजह है, क्या आप नाकाम नहीं हुए, अभी तक कोई लोग आप इकट्ठे नहीं कर सके। जिस पर यही मकामी रहनुमा गुस्से में आकर पेश में आकर उनको लट्ठे मारी, धक्के मारे और उनका कैमरा तोड़ने की भी कोशिश की गई। जबकि मौके पर जो सहाफी थे वहां पर उनको यरगमाल भी बना लिया गया और इसके हवाले से जो था अभी तक तहाल उस पर कोई खास कार्रवाई अमल दरामद में सामने नहीं आई और ना अभी आई हुई है। जबकि जो सहाफी है उनने इंतहाई एक खौफ व हिरास पहल किया है। इस तरह के जितने भी मौजूद हैं मौके पर वो रिपोर्टिंग के हवाले से काफी मोहतात रवैया रखे हुए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया गौहर आपका।